मसीहों का तहफ़्फ़ुज़ करो। जुल्म के हिसाब से हम नहीं मानते। चर्चिस जलाना बंद करो। लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां पर बशारत अल्लाह खान, वाइस चेयरमैन पंजाब बार कौंसिल, और आसिफ शहजाद चौधरी, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल और दीगर मेंबरान पंजाब बार कौंसिल ने जड़ावाला में तोहीन मजहब के मुबैना वाक़या में पुरतशद्दुद हजूम की तरफ से गिरजाघरों और मसीही बरदरी के अफराद की मुतअद्दिद रहाइश गाहों की तोड़ फोड़ और नजरे आतिश करने के वाक़यात की शदीद मजम्मत करते हुए इस हौलनाक वाक़या पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि अकलियतों पर हमलों में रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है और इस बात का इजहार किया है कि ऐसे लोगों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जहां हजूम और मजहबी जज्बात को भड़का कर ज़ाती मफादात हासिल करने की कोशिश की जाती है, उन्होंने इस वाक़े पर गहरी तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि पाकिस्तान के गैर मुस्लिम शहरियों अकलियतों को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने में हुकूमत और कानून नाफिज़ करने वाले इदारों की नाकामी है। उन्होंने मुतालबा किया है कि अकलियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जाएँ और मुल्क भर में तमाम मजहबी मकाम की फुल प्रूफ सिक्योरिटी को यकीनी बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात रोनमा ना हों। उन्होंने कहा कि आइन इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान 1973 ने तमाम पाकिस्तानियों को मसावी हकूक का हक और हर मजहब को मुकम्मल मजहबी आज़ादी दी है। उन्होंने कहा है कि इस वाक़े ने मुल्क भर में मसीही बरदरी को खौफजदा कर दिया है और हुकूमत को चाहिए कि वो इन अफराद खानदानों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। उन्होंने मजीद ये कहा है कि इस मुश्किल घड़ी में वुकला बरदरी और पंजाब बार कौंसिल अपने मसीह बरदरी के वुकला भाइयों के साथ हमदर्दी का इजहार करती है और इनके इंसाफ के लिए कुशा है।